सो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए मैं ये आईटी सब्जेक्ट्स जो है फॉर साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ये आई एक्चुअली एक अपडेट आया हुआ है सिलेबस रिडक्शन का। तो जैसे कि आपको पता है, सब कोविड क्राइसिस चल रहा है अपने कंट्री में, तो उस हिसाब से एक अपडेट आया हुआ है बोर्ड से कि आपको सिलेबस का रिडक्शन हो रहा है। तो ये आईटी सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोग को ले लेके आया। तो जाने से पहले मैं आप लोग को बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड 11th का जो आईटी का जो सब्जेक्ट है फॉर आर्ट साइंस कॉमर्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो उस हिसाब से देखो, इधर वही दिया है कि सेल्फ लर्निंग करना है आपको, ये सब जो भी टॉपिक यहाँ पे लिस्टेड है, और नॉन इवेल्यूटिव है, मतलब मार्किंग स्कीम में नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। तो उसमें ये सब पेज नंबर दिया है, जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है आपका, उस हिसाब से आपको करना है बेसिकली। मतलब ये पेज नंबर से ये पेज नंबर तक का जो ये पार्ट है वो आपको सेल्फ लर्निंग में जाएगा, ठीक है। कौन से चैप्टर का? बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये GNU, ये सब लाइक जो है लिनक्स वगैरह, फिर SMTP प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह, फिर इंट्रोडक्शन टू DBMS, ये चैप्टर का ये जो पार्ट है डेटा मॉडल अप टू ड्यूरेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू SQL, कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड्स, ये सब सेल्फ लर्निंग में जाएगा। ये पेज नंबर में लिस्टेड है आपका, ठीक है। फिर बाद में ये, फिर देखो, इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग जो है फोर्थ थर्ड चैप्टर, उसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का, ये भी आपको सेल्फ लर्निंग जाएगा। फॉर ये देखो, इधर दिया हुआ है फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स ओनली, ठीक है। ये जो है इधर जो दिया है, ये लिनक्स वाला, ये साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए, और ये जो है यहाँ पे SMTP का, ये आपको सेल्फ लर्निंग फॉर साइंस स्ट्रीम ओनली, मतलब सिर्फ साइंस के लिए है, मतलब सेल्फ लर्निंग है आपको, ठीक है। फिर बाद में ये आपका जो साइबर लॉ है, साइबर लॉ में भी IT एक्ट ऑफ इंडिया 2000, उसमें ये सेल्फ लर्निंग फॉर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है, इसके लिए है। तो ये आप लोग देख लिया। फिर बाद में SOP जो होता है, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स, उसमें ही बोला है चैप्टर नेम जो डेली कंप्यूटिंग है, उसका SOP नंबर 2 जो है वो सेल्फ लर्निंग में जाएगा आपका। फिर बाद में फॉर ऑल स्ट्रीम्स, देखो यहाँ पे सब स्ट्रीम्स के लिए, फिर डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएशन, उसमें SOP पहला वाला और तीसरा वाला जो 112 पेज नंबर पर, वो आपको सेल्फ लर्निंग में जाएगा, वो भी नॉन इवेल्यूएशन है। फिर DBMS पोस्ट ग्रेजुएट SQL SOP नंबर 1, 2 एंड 3, अगेन ये पेज नंबर का। फिर देखो यहाँ पे दिया है जो भी क्राइटेरिया है आपका, मिनिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स हम लोग कंडक्ट करने का ट्राई करेंगे, ऐसा बोला है उन्होंने, बिकॉज ऑफ कोविड कंडीशन थोड़े कम ही होंगे। तो ये यहाँ पे दिया है, देखो डेली कंप्यूटिंग का साइंस के लिए 2 है, आर्ट्स के लिए 2 है, कॉमर्स के लिए 2 है, HTML5 के ऊपर, साइंस के ऊपर 3 है, आर्ट्स का 3 है, इसका भी 3 है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्टिंग सिर्फ साइंस के लिए जैसा करता वैसे Any 2, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है अकाउंटिंग पैकेज, ओके। यहाँ पे भी देखो साइंस का नहीं है, आर्ट्स का नहीं है, सिर्फ कॉमर्स के लिए। फिर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, साइंस का नहीं है इधर, आर्ट्स का है इधर, कॉमर्स का नहीं है। तो टोटल 777 सबको इक्वलिटी कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो उस हिसाब से 7 प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को परफॉर्म करना है ये साल के इसमें एंडिंग में, एंडिंग तक वैसे। फिर आ जाते हैं हम लोग 12th का IT सिलेबस रिडक्शन का जो हुआ है, क्या क्या है। देखो यहाँ पे जैसा अभी थियोरी में अभी देखो दिया है साइंस के लिए बेसिकली, तो यहाँ पे देखो एडवांस जावास्क्रिप्ट, ओके, जो थर्ड चैप्टर है उसमें जो एडवांस जावास्क्रिप्ट है, उसमें मैथ ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट, ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, ये पेज नंबर में जो 45, 46 और 47 ये एक्सक्लूड कर दिया उन्होंने, ठीक है। सिर्फ सेल्फ लर्निंग होगा, आप खुद पढ़ के आप सीख सकते हो, क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा आगे जाके, पर मार्क्स इसके कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। फिर एमर्जिंग टेक्नोलॉजी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, फिर क्लास सर्वर साइड आपका स्क्रिप्टिंग, और PHP, ये PHP एसोसिएटिव एरे, उसमें मल्टी डिमेंशनल एरे, फॉर्म कनेक्टिविटी विद डेटाबेस, ये जो 3 टॉपिक्स हैं वो भी एक्सप्लोर कर दिया गया है, ठीक है। फिर बाद में आपका स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स में एडवांस जावास्क्रिप्ट, जो थर्ड चैप्टर का जो SOP का 6th एंड 7th SOP है, जो कि 95 पेज नंबर पर, वो एक्सप्लोर कर दिया गया है, मतलब सेल्फ लर्निंग के लिए रखा है, उसके वेरिएशन में नहीं जाएगा। फिर आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो 5th चैप्टर है, उसका आपको SOP 3, SOP 4, SOP 5, SOP 6, ये जो पेज नंबर पे 96 पे वो आपको होगा, ठीक है, मतलब वो आपको जाएगा, रिडक्स हो जाएगा। फिर मिनिमम क्राइटेरिया कंडक्ट करने के लिए वही है, देखो एडवांस वेब डिज़ाइनिंग में 3 होना चाहिए, एडवांस जावास्क्रिप्ट में 2 होना चाहिए, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में 3 होना चाहिए, तो मिनिमम 7 प्रैक्टिकल्स करने चाहिए स्टूडेंट ने। फिर आर्ट्स के लिए आ जाते हैं, देखो आर्ट्स का भी यहाँ पे दे दिया है,
बेसिक्स ऑफ वीडियो ऑडियो वीडियो एडिटिंग का, उसमें इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग वगैरह क्लिप्स का है, ये पेज नंबर कॉलम के अंडर जो दिया है, फिर स्लाइड्स वगैरह एफेक्ट्स ऑफ स्लाइड्स हो, ठीक है। तो ये है, तो ये आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, ये आप देख लो, नोट कर लो, ये सब दिया हुआ है। मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, फिर ये प्रैक्टिकल एसओपी उनके लिए, फिर इसमें जो ये चैप्टर है उसका ये फर्स्ट वाला नहीं करेंगे, और बाकी उसमें टोटल मिला के एडवांस वेब डिज़ाइनिंग 4, बेसिक ऑफ ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग का आपको ऑडासिटी के थ्रू, ऑडासिटी जो एक टूल है, ये सब मैं सिखाऊंगा चाहिए तो आप लोग को, ठीक है। तो 2 है सेकेंड, फिर OS है फर्स्ट एसओपी, ठीक है। उसको भी फिर से 7 मिनिमम रखा हुआ है, ठीक है। फिर कॉमर्स के लिए आ जाते हैं हम लोग, कॉमर्स में देखो फिर से वही है, ये एरिया के लिए, ये ईयर के लिए उन्होंने नॉन इवेल्यूशन में रखा है, सेल्फ लर्निंग में। तो डिजिटल मार्केटिंग, उसमें ये वाला जो सेक्शन है आपका सेल्फ लर्निंग का, वो उन्होंने किया, आपको खुद करना है। फिर ये कॉलम पेज नंबर, फिर ये, ठीक है। मैं आगे आगे जा रहा हूँ, कंप्राइज अकाउंटिंग विद GST, ये चैप्टर का, ठीक है। फिर आगे है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि सब ये करने से, ठीक है। तो ये 6th हुआ, फिर आपको स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल में ये जॉट डाउन करना है, इसमें फिर से वही डिजिटल मार्केटिंग का एसओपी नंबर 4, कंप्यूटर अकाउंटिंग का एसओपी नंबर 4, फिर से इसका 3rd, डेटाबेस कॉन्सेप्ट का 3rd, और ये पेज नंबर का, उसमें भी आपको फिर से आगे देखो वेब डिज़ाइनिंग का, तो कॉमन ही ज़्यादा करके 3 तो करना ही है वेब डिज़ाइनिंग का, कोई भी 3 है तो। फिर बाद में डिजिटल मार्केटिंग 2, कंप्यूटर अकाउंटिंग 1, फिर आपका ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट 1, ऐसा करके फिर से आपको 7 एसओपी करना है, ठीक है ना। तो ये आपको मेरे को अपडेट देना था, जो IT सब्जेक्ट रिलेटेड सब मैंने 11th का और 12th का आर्ट साइंस कॉमर्स स्ट्रीम का पूरा दे दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ अगर डाउट्स रहेगा आप तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करिए आप। तो ये था आज का अपडेट, जो IT सिलेबस जो है क्लास 12 HSC महाराष्ट्र बोर्ड का जो रिड्यूस हुआ था सिलेबस, उसका जो अपडेट आया तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए। टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक यू।